अमन नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत शौक अथवा कई मैराथन में हिस्सा ले चुका, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, अमन ने भी दौड़ना शुरू किया। सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब अमन थक गया था। वह रुक गया, फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरा जरूर करेगा। वह जीत करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर लिया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हो, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। अमन की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर लगातार कोई भी काम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलता है। धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।